पिछले वीडियो में हमने इजराइल की स्थापना, इजराइल अरब युद्ध, स्वेज युद्ध पर चर्चा किए थे। आज हमारा यह भाग चौथा है जिस पर आज हम यौम किपुर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सात प्रमुख अरब इजराइल युद्ध हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 1973 का यौम किपुर युद्ध के बारे में। यौम किपुर युद्ध जिसे अक्टूबर युद्ध, रमजान युद्ध, अक्टूबर 1973 का अरब इजराइल युद्ध या चौथा अरब इजराइल युद्ध भी कहा जाता है। इससे पहले 1949, 1956 और 1967 में हुए तीन अरब इजराइल युद्ध हो चुके, इसलिए इसे चौथा अरब इजराइल युद्ध भी कहा जाता है। यौम किपुर युद्ध के शुरू होने का कारण मिस्र के फील्ड मार्शल, जो मिस्र के रक्षा मंत्री और प्रमुख कमांडर थे, जब उन्होंने स्वेज नहर पर हमले की योजना बनाई थी जिसने 6 अक्टूबर को इजराइल आश्चर्यचकित कर दिया था। 1973 में यौम किपुर युद्ध की शुरुआत हुई। इजराइल और उसके अरब पड़ोसी कब्जे वाले क्षेत्रों पर समझौता करने में असमर्थ रहे। बातचीत रुकने पर मिस्र और सीरियाई की सेना ने 1967 में युद्ध के दौरान खोए गए क्षेत्र को फिर से हासिल करने के प्रयास में 6 अक्टूबर 1973 को सीनाई और गोलान हाइट में इजराइल की सेना पर हमला कर दिया। यौम किपुर युद्ध की शुरुआत 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया द्वारा शुरुआत किया गया था। यौम किपुर यहूदियों के लिए पवित्र दिन होता है। यह इस्लाम में उपवास के पवित्र महीने रमजान के दौरान भी शुरू हुआ था और यह 6 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1973 तक चला। इस युद्ध में अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए थे। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अंततः यह युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और गोलान हाइट पर पुनः कब्जा करने के साथ समाप्त हुआ। यह युद्ध इजराइल के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। यौम किपुर युद्ध में 2521 से 2800 इजराइल के लोग मारे गए थे। इसके अलावा 7250 से 8800 सैनिक घायल हुए थे। इजराइल के 400 टैंक नष्ट कर दिए गए थे। इजराइल वायुसेना ने 102 हवाई जहाज खो दिए। अरब वालों में मरने वालों की संख्या को गोपनीय रखा गया। सबसे कम मरने वालों की संख्या का अनुमान 8000 है, जिनमें 5000 मिस्र के और 3000 सीरियाई के और 18000 लोग घायल बताए गए थे। अधिक से अधिक मरने वालों की संख्या का अनुमान 18500, जिसमें 15000 मिस्र के और 3500 सीरियाई के। अमेरिका का अनुमान है कि मिस्र में मरने वालों की संख्या 13000 है। इराक में 278 लोग मारे गए थे और 898 लोग घायल हुए थे। जॉर्डन के 23 लोग मारे गए थे और 77 लोग घायल हुए थे। 8372 मिस्रियों और 392 सीरियाई, 13 इराकी और 6 मोरक्को वासियों को बंदी बना लिया गया था। अरब ने 2250 टैंक खो दिए। 5 इजरायली विमानों के नुकसान के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा 334 अरब विमानों को मार गिराया गया था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस युद्ध में भारत भी शामिल था। इजरायल के 5 विमान के नुकसान के चलते भारतीय वायुसेना ने 334 अरब के विमानों को मार दिया था। 1973 में यौम किपुर युद्ध में इजराइल विजयी हुआ था, लेकिन इस युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ। साथ ही यह थी यौम किपुर युद्ध से संबंधित बातें जिसे हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।